तो फ्रेंड्स, आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है उजाला बुटीक चैनल में। आज वीडियो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके लिए। अगर आप लोग भी पीको मशीन रखते हैं, तो पीको मशीन तो रखते हैं, लेकिन पीको मशीन की जो खास सेटिंग है वो सभी लोग नहीं कर पाते हैं। अगर आप लोग कर लेते हैं तो अच्छी बात है, कमेंट करके जरूर बताएं। लेकिन जो हम सेटिंग आपको बताने वाले हैं, वो सेटिंग आज से पहले आपको किसी ने नहीं बताई होगी। ध्यान रखें, वो सेटिंग है, दो सेटिंग है, दोनों सेटिंग है हमारी चाल से रिलेटेड है। क्या होता है, कभी कभी हमारी मशीन की स्विच टकराने लगती है प्रेशर फुट में, या फिर नीचे पटरी में टकराने लगती है। और जो हम सेटिंग आपको बताएंगे, उस सेटिंग के माध्यम से आप अपनी मशीन की सेटिंग एकदम बेहतरीन कर देंगे और आपकी चाल बहुत ही वीआईपी चलेगी। ठीक है, ध्यान रखें, बहुत ही अच्छे से आप अपनी पीको मशीन को मेंटेन कर सकते हैं। बस आप लोगों से अनुरोध है, जो भी यानी कि हम आपको सेटिंग सिखा रहे हैं, ध्यान से देखें और वीडियो को काट काट के ना देखें, क्योंकि नेक थोड़ी सेटिंग गड़बड़ होने से आपकी पूरी सेटिंग ही, मतलब पूरी चाल की सेटिंग ही खराब हो जाएगी। इसलिए उस सेटिंग को ध्यान से देखें और जैसा मैं बता रहा हूँ वैसा आप करें, तो आपकी भी पीको मशीन एकदम बेहतरीन, सिलाई भी बेहतरीन देगी और उसके साथ साथ पीको भी अच्छी देगी। तो चलिए शुरुआत करते हैं बस वीडियो को। कुछ हमारी मशीन इस तरीके से देख सकते हैं, यहाँ पर टकरा रही है। ठीक है, देखें यहाँ पर टकरा रही है और टकराने से क्या होगा कि हमारी मशीन सुई भी तोड़ देगी, तो इस तरीके की प्रॉब्लम देती है। देखें ध्यान से, और पीको में पीको के लिए हम सेटिंग कहाँ पर करते हैं, देखें यहाँ पर सेटिंग करते हैं। पीको के लिए हम ये वाली सेटिंग करते हैं तीन पर। ठीक, इस तरीके से मान लो हमने तीन पे कर ली। ठीक, ज्यादातर तीन पे ही पीको की जाती है। ठीक, तो इस तरीके से यहाँ पर देखें, तीन पर सेटिंग करने के बाद हमारी पीको मशीन कुछ इस तरीके से चलती है। ठीक है, और देख सकते हैं यहाँ पर कितना गैप है। ठीक, इस साइड में यहाँ पर देख सकते हैं कितना गैप है। ठीक, इस साइड में गैप है और इस साइड में फुल हमारी मशीन सही से, देख सकते हैं यहाँ पर भी सही नहीं है, थोड़ा तिरछी हो रही है। ठीक है, यहाँ पर भी प्रॉब्लम दे रही है, जबकि तीन पर पीको हमारी होती है। तो इस तरीके देखें, तो थोड़ा हम और कम कर लेते हैं इस तरीके से, यहाँ पर थोड़ा कम और कर लेते हैं। ठीक है, थोड़ा कम करके देखते हैं भाई पीको होगी या नहीं होगी। अगर आपकी मशीन में प्रॉब्लम है, कैसी भी प्रॉब्लम है, ठीक, बस वीडियो को कंटिन्यू देखें, ध्यान से सब कुछ आपको समझ में आएगा। देख सकते हैं इस तरीके से अब हमारी मशीन कुल मिलाकर सही चल रही है। ठीक है, लेकिन अभी पीको करके देखेंगे तो पीको हमारी होगी या नहीं होगी, तो बस वीडियो को, हर मशीन में हो जाएगी, ऐसा नहीं है कि सिर्फ इसी मशीन के लिए। ठीक, हर मशीन में वो सेटिंग होगी और हर कोई कर सकता है। ठीक, तो चलिए इस तरीके से धागा निकाल लिया हमने, तो पीको करके देखते हैं कि हमारी मशीन पीको कर रही है नहीं कर रही है। तो चलिए ये वाली किनारी लगा के देखते हैं। ठीक, किनारी से ही पीको होती है। कुछ आप लोग कुछ इस तरीके से ही पीको करते होंगे जैसे कि हम इसमें लगा के कर रहे हैं। ठीक, तो हम जब इस तरीके से पीको करते हैं तो हमारी मशीन फुल कपड़ा नहीं दबा रही। ठीक, किनारी हमारी मतलब फुल कपड़ा नहीं फंस रहा है इसमें, और पीको फिर कैसे अच्छी होगी भाई। देख सकते हैं कुछ इस तरीके की पीको हमारी मशीन दे रही है। देखें मतलब पूरा कपड़ा नहीं दबा रही है, बिल्कुल किनारे किनारे पे, इतनी महीन तो पीको नहीं होगी। ठीक है, और मतलब कुल मिला के क्या प्रॉब्लम है कि जो ये वाली चाल है, ये वाली चाल है, ये बिल्कुल छोटी रह गई है। ठीक, अब जैसे ही हम इसे ज़्यादा करेंगे, जैसे ही ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा हम कहाँ से करेंगे, ज़्यादा करने के लिए हमें यहाँ पर बढ़ाना पड़ेगा। ठीक, जैसे ही हम यहाँ पर बढ़ाते हैं वैसे ही हमारी नेडल टकराने लगती है। ठीक है, जैसे ही हम ज़्यादा करते हैं वैसे ही हमारी नेडल ये यहाँ पर आके फंसने लगी है, ये हमारी यहाँ पर आके फंसने लगी है और ये धागा भी नेडल भी तोड़ देगी। ठीक, तो इस तरीके की प्रॉब्लम मशीन दे रही है। तो हम इसी की सेटिंग करके दिखाएंगे आपको कि यहाँ हमारी यहाँ पर तीन पर बनी रहेगी, लेकिन हमारी पीको बहुत मस्त होगी और बहुत ही अच्छी होगी। अगर आपकी पीको सही नहीं हो रही है या कढ़ाई में प्रॉब्लम है तो बस देखते रहें वीडियो को। तो देख सकते हैं तीन पर हमारी सेटिंग कहाँ पर जा रही है, ये जा रही है। ठीक, यहाँ पर आ रही है और ये इसमें पटरी में टकरा भी रही है। ठीक, और यहाँ पर फिर भी यहाँ पर बिल्कुल फुल नहीं आ रही है। ठीक है, तो ये प्रॉब्लम हमारी मशीन दे रही है। तो चलिए इसे हम कहाँ कहाँ से ठीक कर सकते हैं, तो चलिए सबसे पहले हम बैकग्राउंड में कुछ इस तरीके का मॉडल होता है हमारी पीको मशीन में, देखें ध्यान से, इस तरीके का ये मॉडल होता है, देखें, उम्मीद है आपको सही से दिख रहा होगा। ठीक है, तो हमें सेटिंग कहाँ पे करनी है, हमें सेटिंग करनी है ये वाला पेंच, देखें ध्यान से ये पेंच, सभी मतलब कि जो भी सेटिंग है सभी की सब सेटिंग है, यानी कि जो आप करना चाहते हैं ये वाली सेटिंग, तो ये सेटिंग हमारी कहाँ से होगी, यहाँ से होगी। तो कैसे होगी, तो चलिए इसके लिए हमें क्या करना है, एक पेंचकस ले लेना है। तो बस ध्यान से देखते रहें वीडियो को, तो आपको यहाँ पर नज़र डालनी है। ठीक, यहाँ पर नज़र डालनी है, देखें भाई, देखिए यहाँ पर ब्लर हो जाता है अगर यहाँ पर करते हैं तो। ठीक,
प्रॉब्लम वाली बात है, चलिए, लेकिन फिर भी कोशिश करते हैं हम आपको दोनों चीज़ें सही से दिखाने की। सबसे पहले यहाँ पर देखें, यहाँ पर एक पेंच भी दिया गया है इसके ऊपर, देखें जो ये वाला पेंच दिया गया, ठीक, ये वाला देखें, ये वाला पेंच है इसके ऊपर, ठीक, ये वाला पेंच इसके ऊपर दिया गया, तो इसे थोड़ा लूज कर लें ऊपर से पेंच कस डाल के, पहले हल्का सा इसे लूज कर लें, ठीक, इस तरीके से थोड़ा लूज कर लें, ज़्यादा नहीं करना है, बस उसके बाद पसना भी पड़ेगा, तो इस तरीके से हमने लूज कर लिया, ठीक। अब हमें क्या करना, अब हमें कहाँ पर देखना है, अब हमें यहाँ पर इससे हमें थोड़ा पेंच को घुमाना है, ठीक, इससे पेंच को हल्का सा घुमाना है इस तरीके से, जैसे कि देखें इस तरीके से हमें इसे घुमाना है, ठीक, तो हम घुमाएंगे और आप वहाँ पर देखना निडल पर, ठीक, निडल पर देखना कि क्या सेटिंग हमारी मशीन कर रही है, बिल्कुल इस साइड हो जानी चाहिए, तो देखें ध्यान से हमारी निडल कहाँ पर जा रही है, देखें, देख सकते हैं निडल हमारी, देख सकते हैं इस तरीके से निडल हमारी कहाँ पर पहुँची, बिल्कुल यहाँ का गैप खत्म हो गया, देखें बिल्कुल यहाँ का गैप खत्म हो गया है, ठीक है, और यहाँ पर देख सकते हैं इस तरीके से, देखें अब हमारी देखें कहाँ पर टकरा रही है, अब देख सकते हैं ये टकराने वाली प्रॉब्लम यहाँ से खत्म हो गई है, ठीक है, अब ये टकराएगी नहीं, वैसे तीन पर हमारी मशीन टकराने लगती थी, तो ये नहीं टकरा रही, देखें उसके बाद बाई चांस हमारी मशीन फिर भी टकरा रही है, ठीक है, बाई चांस किसी कारणवश फिर भी हमारी मशीन की सेटिंग सही नहीं है, ठीक है, हम मानते हैं कि हाँ यहाँ से हमने सेटिंग कर ली फिर भी नहीं सही हुई, तो फिर हमें क्या करना है, तो यहाँ पर यहाँ का पेंच आपको इस तरीके से कस लेना है, ठीक, जैसे हमने खोला था यहाँ पर कस लें, पहली बार तो यहीं से ठीक हो जाएगी, ठीक, 100% यहीं से सही होगी, तो ये वाला पेंच यहाँ पर कस लें, ठीक, हमने आपसे दो सेटिंगों का वायदा किया था, दोनों सेटिंगें हम आपको क्लियर दिखाएंगे, और आप हमें कमेंट करके जरूर बताना कि आप हमारी बात को समझे या नहीं समझे, ठीक, तो चलिए अब हमें कहाँ पर सेटिंग देखनी है, दूसरी सेटिंग एक और है, ठीक, तो वो इसके साइड में, ठीक है, इस पेंच के साइड में एक पेंच लगा है, ठीक, ध्यान से देखें थोड़ा तब आपको समझ में आएगा, देखें यहाँ पर देखें थोड़ा, यहाँ पर आपको एक झेंक नजर आ रहा होगा जे वाला, ठीक, देखें ये झेंक नजर आया, ठीक, तो हमें क्या करना है, यहाँ पर पेंच कस डाल के, ठीक, एक पेंच इसके अंदर आपको दिखेगा, इसके अंदर एक पेंच पेंच कस डाल के, थोड़ा जूम करके दिखाते हैं कि हमें तो साफ दिख नहीं रहा, देख सकते हैं, तो उम्मीद है आपको साफ दिखेगा, ठीक, तो ये देखें इसके अंदर एक पेंच है, ठीक, देखें दिखा, तो इस पेंच को थोड़ा सा लूज कर लें, ज़्यादा नहीं करना हमें, ठीक, हल्का सा लूज कर लें, लूज हो गया, तो अब हमें क्या करना है, तो फ्रेंड ध्यान से देखें हमने कैमरे को सेट कर दिया, तो अब देखें हमें क्या करना है, अगर बाय चांस हमारी ये फिर भी टकरा रही है या कोई प्रॉब्लम दे रही है, हमारी नेटल की चाल सही नहीं है, तो हमें क्या करना है, इस वाले पेंच को हल्का सा घुमाएं, ठीक, देखें हल्का सा घुमाते ही ये हमारी चाल की सेटिंग बदल देगी, देख सकते हैं ये हमारी नेटल कहाँ पे जा रही है, ये जा रही थी, तो अब हम अगर चलाएंगे तो हमारी कहाँ पर जाएगी, हमारी वही सेटिंग है जो सेटिंग हमने अभी वहाँ ऊपर की थी, वही सेटिंग हमारी यहाँ से भी हो जाती है, ठीक है, तो हमारी सेटिंग यहाँ से भी वही सी हो गई, बिल्कुल अब हमारी फिक्स निडल तोड़ने लगेगी, ठीक, तो दो सेटिंग हमने बताए, दोनों जगह आपको हमने क्लियर दिखा दी इस तरीके से करना, तो चलिए वहीं पर हम कर देते हैं, देख सकते हैं अब ये हमारी निडल बिल्कुल यहाँ पर एंड पर कर दें, तो समझ लो आपकी सही हो गई है, तो इसी तरीके से यहाँ से पेंच को खोलें, वो खोलें क्या, यहाँ थोड़ा घुमाना पड़ेगा, ठीक, हल्का सा पेंच को घुमा लें, तो यहाँ से पेंच को थोड़ा घुमाएं, तो वैसे ही हमारी सेटिंग, हमारी सुई वहीं पर पहुंच जाएगी, देखें पर टाइट घूमती है, ऐसा नहीं बिल्कुल नरम घूम जाए, तो एकदम हमारी देखें, तो ये हमारी कहाँ पर पहुंच गई, यहाँ पर पहुंच गई, तो अब हमारी बिल्कुल पी को सही होगी, और सिलाई कढ़ाई तो ऑलरेडी सही होगी, ठीक, तो हमें क्या करना है, साइड से पेंच डाल के जैसे हमने खोला था उसे ही वैसे ही हम कस दें उसे, ठीक, और हम भी आपके अपने हैं, बस एक लाइक आप कर दीजिए, बस आप लोगों से अनुरोध है, तो चलिए पी को चलाकर दिखाते हैं कि कैसी चल रही है, तो देख सकते हैं भाई अभी तक ये कुछ इस तरीके की बिल्कुल किनारी पे सिलाई चल रही थी, पी को चल रही थी, तो अब हम आगे चलाकर दिखाते हैं कि अब हमारी कैसी चल रही है, ठीक, उम्मीद है सही चलेगी और अच्छे से पी को भी करेगी, जो फुचने वगैरह किनारे से निकल रहे थे वो भी नहीं निकलेंगे,
वीडियो क्या कौन से टॉपिक पर बनाएगा। तो देख सकते हैं अभी तक प्रॉब्लम थी ये वाली, ठीक, अब ये हमारी बिल्कुल सही हो गई है और बिल्कुल सही से पी को देने लगी है। अब आप कहेंगे ये मोटी हो गई, तो मोटी होने के लिए यहाँ से हम थोड़ा पॉइंट कम कर सकते हैं, यहाँ से थोड़ा यहाँ पर दो की जगह पे पौने दो कर लें तो हमारी मोटी अगर होगी तो वो भी पतली हो जाएगी। बस हल्का सा पॉइंट कम कर लिया, अब हमारी पी को सही होगी। तो चलिए आपको चलाकर देख लें, बिल्कुल सही चलेगी और अच्छी चलेगी। वीडियो काफ़ी बड़ा हो रहा है इसलिए आप लोगों से अनुरोध है बस वीडियो को एक लाइक कर दें, जो भी माता बहन भैया वीडियो देख रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में ऐसे ही कोई नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।